अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी बस मॉर्निंग का टाइम है और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी मॉर्निंग के काम थे ना, बस वही आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो आजकल ना यूट्यूब पे सेल्फ हेल्प वाले वीडियो बहुत वायरल जा रहे हैं और ये अच्छा भी लगता है और मुझे भी इस तरह का बनाना वीडियो पसंद है। और जो भी बात इसमें शेयर की जाती है ना, वो सारे लोगों का अपना एक्सपीरियंस भी होता है, कोई किताबी बातें नहीं होती है। तो आज का वीडियो भी बस इसी टॉपिक पे है। भले ही हम होम मेकर हों, लाइफ के 40s या 30s में हो, लेकिन हमें भी ना अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए होती है। मुझे भी चाहिए बिल्कुल। तो इसके लिए ना हमें बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप उठाने की ज़रूरत होती है। तो कल ही मैंने देखा था ना, मास्टर से पंकज ने अपनी कम्युनिटी पे एक बहुत ही अच्छा पोस्ट लिखा हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम जो है वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अपने अंत को बदल सकते हैं। कई बार हमें भी ना लगता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा समय तो ख़त्म हो चुका है, अब तो हम 30s के ऊपर हो गए, 40s के ऊपर हो गए हैं, अब हम सीख के क्या करेंगे या कुछ करके भी क्या करेंगे। काश ऐसा होता कि हम लोग पहले ही, हमें अकल आ चुकी होती। देखिए, हम एक ही घर में एक ही माँ बाप के औलाद क्यों ना हो, लेकिन हर किसी की ना लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी की लाइफ जर्नी अलग अलग होती है। तो मेरी भी लाइफ के 8 से 10 साल कुछ ऐसे रहे जिसमें कि सेल्फ इस्टीम तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया और कॉन्फिडेंस तो एकदम ही लो था। ने ना मुझे लाइफ में काफ़ी पीछे कर दिया। और जब मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना है, जो कि मेरी बहुत ज़रूरत भी थी करने की, तब मेरी लाइफ जो है ना 30 से प्लस क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन मैंने इसी बात को ध्यान रखते हुए कि जब शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी कुछ करने का सोचा। कुछ चीज़ें मैंने की, कुछ चीज़ों को मैंने बीच में ही छोड़ दिया और कुछ चीज़ें मैंने शुरू भी नहीं की। इसी के तहत मैंने पार्लर सीखा, पार्लर खोला, कपड़े का भी बिज़नेस किया कुछ टाइम, यूट्यूब भी सीखा और अपनी पढ़ाई भी फिर से स्टार्ट की, जो कि बिल्कुल भी मेरी अधूरी रह गई थी। तो बहुत सक्सेस अभी चीज़ों में नहीं मिली है, लेकिन मैंने स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है और आगे भी करती रहूँगी। तो देखिए, सक्सेस मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, लाइफ को अच्छे से जीना ज़रूरी है, अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करना ज़रूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप अपने छोटों के छोटे छोटे सपने को पूरा करें जो कहीं पीछे छूट गया है और जो आप कर सकते हैं। जब हम लाइफ में 30 प्लस हो जाते हैं, 40 प्लस हो जाते हैं ना, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर उन्हें कोई ख़ास हमारी ज़रूरत देखभाल की नहीं होती है, वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं, तो बिल्कुल अकेलापन लगता है। तो फिर जो भी आपके करना चाहते थे ना, वो आप करने की शुरुआत कर सकते ही हैं। इसी के तहत सबसे पहले जो है ना, हमें कुछ हैबिट जो है बनाना पड़ता है, जिसमें है अपने हेल्थ का ध्यान। हेल्थ को जो है ना, शुरू से ही लेडीज़ जो है सारे का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। और इसमें भी हम बहुत छोटे छोटे स्टेप का फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी हम एक बार बड़ा करने के सोचेंगे ना, तो वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है हेल्थ के लिए, जरूरी नहीं है कि हम जिम जाके डायरेक्ट डंबल उठाने लगे। आप 15 मिनट के वॉक से ही, आप 10 मिनट के योगा से ही शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे मॉर्निंग में गर्म पानी, कोई भी हेल्थ ड्रिंक, लेमन डाल के, शहद डाल के आप पी सकते हैं। अपने खान पीन का, यानी कि शुगर का कम इस्तेमाल करके, शुगर की जगह जागरी पाउडर भी, और फिर ज़्यादा तला भुना, ये छोटे छोटी चीज़ें हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तरह आप एक या दो कोई फ्रेंड बनाइए, या घर में जो भी कोई है इसके साथ भी आप है ना, बाहर हफ्ता में एक दो बार जरूर घूमने जाया करें, पास वाले मार्केट में या कोई मूवी देखने। इससे बिल्कुल भी आपका जो है ना माइंड चेंज हो जाता है। बाहर थोड़ी देर के लिए भी आप जाएंगे ना, तो मूड फ्रेश हो जाता है, फिर 2-3 दिन है ना बहुत ही अच्छा आप फील करते हैं। तो बाहर थोड़ा सा घूमने जरूर जाया करें, सप्ताह में 2 से 3 दिन भी। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और कल ही मैं ना जो स्टॉक पे देख रही थी यूट्यूब पे, एक लेडी थी 59 उम्र के में ना, उन्होंने अपने फिटनेस जर्नी शुरू की थी और अपना जो है ना 430 kg वेट को कम किया था। तो बहुत सारा आपको इस तरह से इंस्पायर करने वाला स्टोरी मिल जाएगा। और देखिए, होम मेकर के लिए मिड एज में जाते जाते ना बहुत सारा खाली वक्त होता है, जिसमें कि जो है ना हमें, और खाली वक्त में अगर हम भी कुछ करेंगे नहीं, बिल्कुल इस तरह से फालतू बैठे रहेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन का है पहला सीढ़ी होता है। तो खुद को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप जो भी पहले करना चाहते थे छूट गया है, आप बिल्कुल इसको फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं।
क्योंकि हमें एक ही लाइफ मिली है, उसे हमें बहुत ही अच्छे से जीना है। जो भी हमारे सपने हैं उसे पूरा करने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि जाते वक्त हमें ये रिग्रेट ना रह जाए कि हमने भले काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने वो कर लिया होता। लेकिन लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें होंगी और बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। बना रही हूँ चिकन दरबारी, तो उसे मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, बना चुकी थी लेकिन फिर से बना रही हूँ तो शेयर कर रही हूँ। तो कुछ मसाला को ना हमारे ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसमें है सौंफ, जीरा एक एक स्पून और 10 से 12 काजू ले लेंगे, 3-4 सूखी मिर्ची और खड़ा गरम मसाला बिल्कुल लो फ्लेम पे, नहीं तो सौंफ और जीरा ना जलने लगता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे जब इसे हम भूनेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से इसका एरोमा जो है पूरा फैल जाता है। और बस हमें इसका ना पाउडर बना लेना है, बस इसका पाउडर बना लेंगे। और उसके बाद फिर से हम ना 4-5 प्याज को गोल्डन ब्राउन करके और इसमें 2 टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। प्याज और टमाटर को एक साथ पीस लेंगे क्योंकि उसे का हमें पेस्ट बनाना है। और अब चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ 1.5 किलो चिकन है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, सॉल्ट ऐड कर देंगे और बाकी जो भी पाउडर मसाला होता है ना, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च थोड़ा ही सा दीजिएगा क्योंकि हमने वो पाउडर मसाला में बनाया है ना लाल मिर्च पाउडर, तो बस धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ये सब डाल के ना, और दही डाल देंगे, इसे मैरिनेट कर देंगे कुछ टाइम के लिए। इसे है ना आधा घंटा के लिए अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और थोड़ा सा ना इसे मैंने हल्दी पाउडर भी डाला है, आप चाहें तो इसमें कश्मीरी पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने मसाला रोस्ट करके पीसा था ना, काजू वगैरह वो सबको भी हम इसमें मिला के और फिर सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैरिनेट के लिए कम से कम बस इसे ज़्यादा नहीं, आधा घंटा के लिए ही, छोटा बहुत इजी। और आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हो तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही पसंद आएगा, बिल बहुत ही रिच होता है। और इसे बोनलेस के साथ बनाइएगा ना तब तो और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। और जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई किया था उसी में मैंने आधा तेल निकाल ली हूँ, और थोड़ा सा इसमें बटर ज़रूर डाल दीजिएगा, इससे इसका टेस्ट है ना बहुत बढ़ जाता है। तो उसके बाद जो भी मिक्स हमारा चिकन इसमें बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आपने प्याज को पहले फ्राई कर लिया है ना तो ये बहुत, और अगर आपके पास प्याज फ्राई किया हुआ है तो तब तो और भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस इसे हमें यहीं पे इसी टाइम पे अच्छे से भून लेना है हाई फ्लेम करके, और बोनलेस में तो बस ये 15 मिनट में ही रेडी हो जाता है। मैंने 10 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लिया है, और अब ना इसे बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही सूख चुका है। और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो देखिए यहाँ मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया है, और इसके बाद जब ये अच्छे से भून जाए ना तब हम इसमें लास्ट में इसको भी डाल के और फिर थोड़ा सा हम इसे फिर से भून लेंगे। तो देखिए इसे भुनाई हमें हाई फ्लेम पे करनी है ताकि इसका जो जितना भी हम इसकी भुनाई करेंगे और ये आधा से ज़्यादा तो भुनने में ही कुक हो जाता है। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बस थोड़ा देर, अभी हम ना इसे 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से कुक कर लेना है। और ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल भी रेडी हो गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और क्रीम डाल दीजिएगा। तो मेरे पास आज दूध वाला ही क्रीम था तो बस मैंने, अगर आपके पास क्रीम नहीं है ना तो बस थोड़ा सा दूध डाल दीजिए 1 कप, थोड़ा सा हरी मिर्चें, और ये बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो जाता है हमारा। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही सपना पूरा करना नहीं होता, हमारे सारे बहुत सारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जिसे हम पूरा कर सकते हैं। हाँ ये बात ये ज़रूर है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से हमारे बहुत सारे सपने पूरे हो जाते हैं, लेकिन कोशिश तो हम छोटी छोटी जो ख्वाहिश है उसे तो हम पूरा कर ही सकते हैं। ज़िंदगी में ना कभी भी कुछ भी शुरू करने के लिए, अपने छोटे छोटे सपने पूरे करने के लिए कभी भी देर नहीं होता है, आप अच्छी छोटी सी शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी आपके साथ मैं नए ब्लॉग में। अगर कोई एक भी बात अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।